हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से हम लोग जो है आपको प्रमोट के लेकर न्यूज लेकर आते रहते हैं। बेसिकली मैं लेकर नहीं आता हूँ, वो सारी न्यूज जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या नोटिस के माध्यम से जो भी न्यूज हमें मिलती है, चाहे वो जिस यूनिवर्सिटी की न्यूज हो, हम आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि मेरा न्यूज को आप तक पहुंचाना। अब इस न्यूज की क्या बातें हैं, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले बच्चे हैं, वो कमेंट करते हैं कि सर आप बीएड के बारे में नहीं बताते हो, आप डीएलएड के बारे में नहीं बताते हो। तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपके जितने डाउट होंगे वो निकल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बीएड और डीएलएड का आपने ग्रुप बनाया तो उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीएड वाले बच्चे पूछते हैं और कुछ बच्चे जो है मुझसे उम्मीद ज्यादा रखते हैं और वो नाराज जो आते हैं कमेंट में कि सर आप वीडियो लेकर आते हो प्रमोट को कि ये प्रमोट हो गए, वो प्रमोट हो गए, लेकिन आप बीएड और डीएलएड के बारे में कभी कुछ नहीं बताते हो। तो कोई बात नहीं, मैं सही चीज अगर बताऊं तो बीएड और डीएलएड वाले बच्चे जो है हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जो मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूं। अगर मैं आपको बात बताऊं, यहां पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है कि हालांकि इन लोगों का 2019 से बैच स्टार्ट हुआ, 21 जो है आधा खत्म हो गया लगभग, इन लोगों का ऑलरेडी 2 साल के ऊपर इन लोगों का हो चुका है कोर्स। अब बच्चे परेशान है कि अभी हमारा थर्ड सेमेस्टर भी नहीं हुआ है, फोर्थ सेमेस्टर भी होना है, तो आखिर में हमारा डीएलएड कब समाप्त होगा। दूसरी चीज, बीएड वाले बच्चे परेशान है कि क्या मैं प्रमोट होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मैं एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। किसी भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं किया है कि मैं बीएड को प्रमोट कर रहा हूं या डीएलएड को प्रमोट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज सुन लीजिए इस चीज को, आपको लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है अब की बार कि आप प्रमोट हो जाएंगे। रीजन उसका यह है कि अब की बार कंडीशंस जो है बहुत ज्यादा खराब है, आप देख भी रहे हो, अभी एक वायरस खत्म ही नहीं हुआ, उसके बाद में ब्लैक फंगस आ गया, यानी कि बहुत सारी जो है अब की बार सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। तो चांसेस बन जाते हैं, चाहे वो बीएड के बच्चे हो चाहे वो डीएलएड के बच्चे हो, कि हमें प्रमोट होना है, 90% चांसेस है। लेकिन जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बीएड और डीएलएड वालों को हमने सजेस्ट किया था कि आपको पढ़ाई करते रहना है। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर अगर अभी तक नहीं हुआ, सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हो, कोई भी हो, आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आप हो, तो आपको पढ़ाई नहीं ब्रेक करनी है। पढ़ाई इसलिए नहीं ब्रेक करनी है क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे और अगर मान लो आप प्रमोट भी हो जाते हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है मिलते जुलते जो है सिलेबस वो आपको यूपी टेट के एग्जाम में, आगामी सुपर टेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप किसी के रूल, किसी के सिद्धांत आप पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपका आगे चलकर आपको नुकसान करेगा या नहीं होगा। तो पढ़ाई करते रहिए, बाकी जैसी भी अपडेट आपको मिलती है मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पिछले साल जो मेरी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट नहीं किया था, कोरोना तब भी था, अब की बात, तो एक बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यूनिवर्सिटी को भी पता है कि पिछली बार की सिचुएशन अलग थी, अब की बार की सिचुएशन अलग है, ठीक है, दोनों में अंतर है। इसलिए अब की बार प्रमोट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब ये मैं कहूं अपने हिसाब से कि आप ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आप प्रमोट ही होंगे। लेकिन एक बात यह मान के चलिए कि आप अगर मेरे व्यूवर्स हो, मैं आपको अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखूंगा कि आप समझ लो कि आज से मैं प्रमोट हूं और मैं जाकर सोऊं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। आप अच्छे से जाइए, पढ़ाई करिए, प्रमोट हो गए बड़ी अच्छी बात है, नहीं प्रमोट हुए तो भी बहुत अच्छी बात है, हम पढ़े रहेंगे तो मैं पेपर भी दे दूंगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि कल ही पेपर होगा, बीएड और डीएलएड को अभी वेट करना होगा, अभी ऑफिशियल न्यूज का वेट करना होगा। हमने अभी देखा कल त्रिस्तरीय कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में यही दिया है अभी कि यूजी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट कराया जाएगा, फाइनल ईयर का पेपर होगा, पीजी फर्स्ट ईयर को प्रमोट कराया जाएगा और फाइनल ईयर का पेपर होगा। अभी इसके अलावा ना बीएड ना डीएलएड अभी और किसी के बारे में उन्होंने बात नहीं की है। तो आपको इस न्यूज का वेट करना होगा। अगर आप अपने इस चैनल पर ट्रस्ट करते हो, मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो आप लोग अभी तक पढ़ाई करिए। आगे न्यूज चांसेस मैं फिर बता दे रहा हूं, चांस बिल्कुल है आप प्रमोट हो जाओगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, लेकिन पढ़ाई नहीं ब्रेक करनी है। अगर कोई आपको बता रहा है कि प्रमोट हो जाओगे, पढ़ाई बंद करो, किताब बंद करो, तो ऐसा अगर आप करोगे तो आप अपने साथ धोखा करोगे, क्योंकि पढ़ाई बंद कर देने से प्रमोट और ना प्रमोट का कोई रिश्ता नहीं होता है। लेकिन अगर आप पूछोगे, प्रमोट के चांसेस हैं, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं। तो इतनी न्यूज थी, अभी डीएलएड और बीएड के बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा कहीं से नहीं हुई है। बीएड की घोषणा कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले अलग अलग से करेंगे, लेकिन डीएलएड की जब घोषणा होगी तो पूरे यूनिवर्सिटी के लिए वही चीजें लागू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप वेट करिए, अभी कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना आप वेट करिए। जैसे ही मुझे थोड़ी सी भी क्ल्यू मिलती है, आप लोग जुड़े हुए हमसे इतने दिन से चैनल से, आपको पता है कि मैं छोटी छोटी न्यूज भी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं। तो आपको थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है, आराम से पढ़ाई करिए, मौज से पढ़ाई करिए, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए, वैक्सीन लीजिए अगर आपकी बारी आ रही है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए,
पेपर होगा हम हंसी हंसी दे देंगे, पेपर नहीं होगा हम हंसी हंसी छोड़ देंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, प्रमोट का हो टेंशन चाहे जो टेंशन हो, ठीक है। तो यहां तक जो है आज हम लोगों की न्यूज थी, और आपको मैं फिर ब्लास्ट में यह कहूंगा कि पढ़ाई आपको करते रहना है। बीएड और डीएलएड के प्रमोट को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि आपको प्रमोट करना है कि नहीं करना है, इसके लिए आपको एक महीने का कम से कम वेट करना ही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आप जो है मेरी बातों को, मेरी फीलिंग्स को आप समझे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। गुमराह ना होइए, परेशान ना होइए आप, ठीक है। बाकी जैसे भी अपडेट होगी, आपने इस भाई पर जो है विश्वास किया है, ट्रस्ट किया है, तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, चाहे वो बीएड का हो, डीएलएड का हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे आपकी ज्वाइनिंग हो, मैं ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहूंगा, उसके बाद आप भूल जाओगे तो कोई बात ही नहीं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपनी। और हाँ, एक बात मैं फिर बता दूं, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर आप वहां पर जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।